Okay, so hey guys, it's me Anirban and back here with another brand new video on my channel. And so first of all, I apologize for being late in uploading my videos this year. So आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रेशर पंप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. वो जो पंप है वो मैं आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, ये क्या है, इसका क्या फीचर्स है, और इसके ऊपर मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में अपलोड करूंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कैसे पाइपलाइन की कनेक्शंस किए जाते हैं, कैसे ये सब किया जाता है. तो ये जो पंप है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये है एक्चुअल जो पंप. तो ये जो ब्रांड है इसका नाम है पेड्रोलो. ये पेड्रोलो ब्रांड की तरफ से है ये पंप. ये पेड्रोलो ब्रांड एक्चुअली इटालियन एक ब्रांड है. और इसमें जो फर्स्ट चीज़ है जो मैंने दिखाया आपको, ये है द एक्चुअल पंप. उसके साथ आपको ये जो चीज़ है ये है एक इलेक्ट्रिक पंप कंट्रोलर. दैट इज़ यू कैन सी दैट इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पंप कंट्रोलर. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड कॉल पेड्रोलो. सो आई विल बी अनबॉक्सिंग दिस टू थिंग्स इन दिस वीडियो ऑफ माइन. And also, why I purchased this particular pump, I will be discussing all those things with you in this video. So let's start this video. And so just sit back, relax, grab a cup of coffee, and without wasting any more time, let's get right into it. ओके, सो चलिए फटाफट हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक जो प्रेशर पंप है, जो नीचे वाला जो है वो प्रेशर पंप है, और जो ऊपर का जो चीज़ है वो है एक कंट्रोलर, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया. तो चलिए ये जो कंट्रोलर है इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ. तो जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये जो कंट्रोलर है ये एक्चुअली पेड्रोलो ब्रांड की तरफ से ही है, क्योंकि आप जब पंप खरीदोगे पेड्रोलो का तो आपको ये जो कंट्रोलर है ये भी उसके साथ खरीदना पड़ेगा. तो और ये भी पेड्रोलो ब्रांड की तरफ से ही है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक ऑरेंज कलर का है और देखने में भी बहुत अच्छा है. तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. तो क्यों ये डिफरेंट है और क्यों आपको ये परचेज़ करना है मैं ये आगे बताऊंगा आपको. तो किस पर्पज़ के लिए आपको इसको ख़रीदना चाहिए. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये जो है ये मेन पंप है. तो चलिए इसको भी हम पहले अनबॉक्स कर लेते हैं. तो मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि भैया आपने ये अच्छे से नहीं समझाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो फ़िलहाल के लिए ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो है. तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसके ऊपर मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करूँगा बाद में, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊँगा कि कैसे इसका कनेक्शंस किया जाता है वगैरह वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगा. लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो पंप है ये एक्चुअल पंप है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड मैनुअल्स आपके पास बॉक्स के साथ ही आएगा. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा मैनुअल ये सब कुछ है. तो बेसिकली ये जो पंप है ये क्यों परचेज़ किया जाता है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. जैसे कि मान लीजिए आपने एक नया बाथरूम डिज़ाइन किया है, तो उसमें आपने कुछ कॉस्टली जो फिटिंग्स होते हैं, जो टैप्स होते हैं, ये सब इंस्टॉल किए हैं. तो उस समय क्या होता है कि वो जो टैप है उससे अच्छे से बहुत ज़ोरों से पानी आए. तो इसके लिए क्या होता है कि हमको ये जो प्रेशर पंप है ये एक्चुअली वो सब कॉस्टली हाई एंड जो फिटिंग्स होते हैं उसके लिए ही हमको परचेस करना पड़ता है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो कंट्रोलर है ये सिर्फ और सिर्फ जो पंप है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो पोर्ट है और ये इसका जो कनेक्शन का पोर्ट है, तो ये एक जो मीटर आप देख सकते हैं, तो इस पे प्रेशर कितना प्रेशर का पानी जा रहा है ये पूरा दिखाया जाता है. तो ये पूरा एक अच्छा एक कंट्रोलर है. तो और ये जो एक्चुअल पंप है ये बहुत ही एक हेवी वेट का पंप है, लेकिन ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेड इन इटली है. तो ये इटालियन एक पंप है, जो पेड्रोलो ब्रांड है वो इटली का है. तो ये आपको जो है उसको जस्ट ऐसे इसको इसके ऊपर रख के ये फिटिंग्स करना पड़ेगा. तो फिटिंग्स कैसे होता है ये सब मैं जैसे कि मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको कि कैसे किया जाता है फिटिंग्स और कैसे जो पाइपलाइन का कनेक्शन है. तो ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो
उन सारे फिटिंग्स के लिए ही बेसिकली ये पंप को खरीद दिया जाता है, तो इसका कोई एक्स्ट्रा पर्पस नहीं है। तो इसको जस्ट ऐसे करके इसको प्लग करना पड़ता है, और जो मेन जो कंट्रोलर है इसका एक कॉर्ड निकलता है तो उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो पंप है, ये जो प्रेशर पंप है, तो ये एक स्पेसिफिक प्रेशर का पंप है। तो आपको कौन सा पंप खरीदना चाहिए ये आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो ब्रांड है तो इसका बहुत सारा वेरिएंट्स और डिज़ाइंस आते हैं बहुत सारे प्रेशर पंप के साथ। तो आपको क्या करना है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं जो ये कौन कौन शॉप से आपको कांटेक्ट करना चाहिए, और इसका जो मेन जो हेड ऑफिस है इसके साथ भी आप कांटेक्ट कर लीजिए पहले। उसके बाद ये जो ब्रांड है इनके तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपके घर को विजिट करेंगे आपके ये ख़रीदने के पहले। वो विज़िट करके देखेंगे कि आपका जो पूरा जो डिज़ाइन है वो कैसा है, आपको कौन सा पंप खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक थोड़ा कम पैसे का एक पंप चाहिए लेकिन आपने बहुत कॉस्टली एक पंप खरीद लिया जो आपने सोचा कि बहुत अच्छा कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो पंप चाहिए वो एक्यूरेट पंप आपको खरीदना चाहिए। सो होप यू गाइस लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि मैं इस पंप के ऊपर और एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करूंगा बाद में, जिसमें मैं आपको शो करूंगा कि कैसे इसका एक्यूरेटली और बहुत अच्छे से पाइपलाइंस की जो कनेक्शंस हैं वो बेसिकली किया जाता है इस पंप के लिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पंप है। सो नॉर्मल कनेक्शंस से ये नहीं होता, तो आपको एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन करना पड़ता है। तो उसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। इस वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सब कुछ किया जाता है। एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट दैट पर्टिकुलर वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड अबाउट दैट। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, दिस इज माई इंस्टाग्राम आई डी, यू विल फाइंड एनीवेयर हियर। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।